स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों, आज हमारे पास ये जो बोर्ड आया हुआ है वो सैमसंग का डबल डोर फ्रिज का है। नॉन डिस्प्ले बोर्ड है ये, उसके अंदर एक ही फैन मोटर भी है। और कस्टमर की जो कंप्लेन है कि फ्रिज थोड़ी देर चलने के बाद अपने आप डेड हो जाता है, जैसे 4 से 5 मिनट कंटिन्यू चलेगा और ऑन करने के बाद 5 से 5 मिनट के बाद फ्रिज पूरा डेड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पीसीबी से भी दिक्कत हो सकती है और इसके अंदर जो ओवरलोड लगा है फ्रिज पे वो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो कस्टमर उसने मैकेनिक ने ओवरलोड तो चेंज कर दिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो उसके बाद ये बोर्ड उतार के लिया है। तो जो बोर्ड से आने वाली दिक्कत वो इस आईसी की भी हो सकती है और फीडबैक सर्किट ख़राब होने की वजह से भी हो सकती है, और कोई ऐसा पार्ट होता है इसके अंदर जो गर्म हो रहा हो, उस गर्म के होने के बाद वो पार्ट काम करना बंद कर देता हो, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है क्रिस्टल की भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम सबसे पहले इसके अंदर एक बार पावर देंगे और चेक करेंगे कि ये बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों, की जैसे हमने देख पा रहे हो कि आप लोग, हमने इसमें पावर कनेक्टर लगा दिया है और अभी हम इसके अंदर पावर देंगे। और तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये LEDs की ग्लो हो गई, तो SMPS तो इसका ओके है। इसके अंदर SMPS ओके है और अभी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज प्रॉपर बन रही है नहीं बन रही है। इसके अंदर कोई कम तो नहीं है, कोई कैपेसिटर वीक तो नहीं है। तो अभी हम इसके अंदर इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हम मीटर रख के, और अभी हम इस पर, आप लोग देख पा रहे हो कि 7 वोल्ट बन रहे हैं और आउटपुट में इसके पूरे 5 वोल्ट से थोड़े कम वोल्ट बन रहे हैं, पर कोई इशू नहीं है इससे। कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है 5 वोल्ट का, यहाँ प्रॉपर बनने हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का वेट करेंगे और देखेंगे कि कोई पार्ट हीट तो नहीं हो रहा। तो अभी हम हमारे कंट्रोलर पे हाथ लगा के टेस्ट कर लेते हैं, ई प्रो में इसकी ये भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप हमारे कंट्रोलर की पिनों पर हाथ नहीं लगाना, आपने हमारे कंट्रोलर ऊपर लगाना है खाली। और हम अभी एक एक पार्ट चेक कर लेंगे इसका, कोई पार्ट हीट तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसके अंदर एक थोड़ा सा साउंड भी आ रहा है, वो आईसी का ही साउंड है स्विचिंग का। तो अभी हम इसकी आईसी चेक करेंगे बाहर एक बार, इसको पावर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसकी आईसी हम छू के देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत हीटअप हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हीटअप हो रही है, कैसे हो रही है वो। अभी दोस्तों, हमारा पेस्ट है और अभी हम इसको ऊपर रखेंगे, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये मेल्ट हो जा रहा है। तो अगर ये मेल्ट हो जा रहा है तो इसकी अलामत ये है कि ये आईसी हीटअप हो रही है, जिसकी वजह से पेस्ट मेल्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर ही फॉल्ट है, अभी हमें फॉल्ट मिल गया है। दोस्तों, अभी ये वीडियो बनाने का मोटिव तो ये है हमारे पास, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक किसी के पास होता नहीं है या आईसी कहीं मिल ना पाए, खैर मार्केट में तो मिल जाती है, और बाय चांस अगर ना मिले तो हमारे पास एक चाइनीज़ सप्लाई है, उसको कैसे इसके अंदर लगाएंगे। और आईसी ये वाली भी है हमारे पास, अभी हम आपको आईसी दिखा देते हैं। और चाइनीज़ सप्लाई जो होती है अल्टरनेट, वो भी है हमारे पास, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर वो आईसी नहीं मिलती है। तो अभी हम आपको आईसी दिखा देते हैं एक बार निकाल के, ये वाली। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आईसी लगी है वो आप लोगों को भी बता देता हूँ। वो दोस्तों लगी है टॉप 253 PN, मैं आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ एक बार। टॉप 253 PN लगी है। तो जो हमारे पास आईसी है इसकी, अभी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हमें आईसी मिल गई है, ये आईसी दोस्तों टॉप 45 है, ये 53 है, उसी की सीरीज की आईसी है। आप उसकी जगह ये लगाना चाहें तो ये भी लग जाएंगी। ये आईसी है वो टॉप 254,
तो अभी हम इसके अंदर ये वाली सप्लाई लगा के आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सप्लाई अगर आपको ये आईसी नहीं मिलती है तो जो सप्लाई आती है ये इसको कैसे लगानी है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस आईसी इस मॉड्यूलर के ऊपर डायग्राम भी बनाया है कि आप लोगों को ये कैसे लगाना है वो सब बता देगी। तो अभी आपको मैं इसकी रैपिंग दिखा देता हूँ कि इसकी रैपिंग कैसी आती है। इसकी रैपिंग दोस्तों कुछ इस प्रकार की आती है। ये चाइनीज़ सप्लाई के नाम से मिलती है, 110 वोल्ट की सप्लाई है, टीवी सप्लाई भी कह सकते हैं इसके। आप मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी हम इस आईसी को निकाल के ये वाली आईसी लगा के सप्लाई आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सप्लाई कैसे लगाएंगे इसके अंदर, किस तरीके से काम करती है और कैसे इसको इसमें वोल्टेज एडजस्टेबल होते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसकी आईसी निकाल लेते हैं और आईसी निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं और इसको लगाते हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव तो दोस्तों इसी वजह से था कि आप लोगों की सप्लाई के बारे में पता चल जाए और कैसे लगाते हैं और कहाँ लगानी है हमें। सब जगह दोस्तों ये काम नहीं आती है क्योंकि कुछ जगह में जैसे आप आउटडोर के इन्वेटर बोर्ड होते हैं उसमें ये दोस्तों सप्लाई नहीं लगेगी क्योंकि उसमें काम नहीं करती है। इसका रीज़न ये है कि स्विचिंग 350 वोल्ट पे होती है, जब आप लोग इसको उसमें पावर देते हैं तो वोल्टेज सारे कैपेसिटर खींच लेता है और इसको सप्लाई जो मिलनी होती है वो नहीं मिलती है और ये फ्री हो जाती है। फिर ये स्विचिंग फ्री कर देगी तो जिससे कि आपका एसएमपी सुटने का रिस्क है। तो इसको शॉर्टकट में आप दोस्तों मार्केट में इस नाम से भी अवेलेबल है कि इसकी वन टाइम सप्लाई आप बोलेंगे तो आपको वन टाइम सप्लाई के नाम से भी ये सप्लाई यही मिलेगी और इसको शॉर्टकट में यही बोलते हैं वन टाइम सप्लाई। हम 5 साल वाली भी यूज करते थे बट दोस्तों वो थोड़ी कभी कभी किसी किसी जगह नहीं लग पाती थी और ये आसानी से हर जगह लग जाती है। तो आप खास कर ख्याल रखें कि जो 5 तार वाली सप्लाई है वो सिर्फ इन्वर्टर कार्ड में चलेंगी और ये जो 5 तार वाली सप्लाई के अलावा अगर ये वाली सप्लाई लगाएंगे आप उसमें तो दोस्तों ये नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों ये आईसी हमारी डिसोल्ड हो चुकी है, अभी हम निकाल लेते हैं इसे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमने आईसी निकाल ली है और अभी हम इसके पिनों को देखेंगे कि कौन सी पिन कैसी है, किस चीज़ की है। तो दोस्तों अभी हम इसकी सबसे पहले आईसी की ड्रेन पिन देखेंगे, कौन सी भी ड्रेन पिन होगी उस पर ही रेड वाली तार लगेगी और ये आपकी ग्राउंड है। तो हम डायग्राम देख के एक बार समझते हैं दोबारा।
दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आर, आर से रेड वायर है 300 प्लस। ये SMPS के अंदर जो डायरेक्ट तार जा डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है जिसकी, ये जानने का तरीका है आप लोगों को मैं बता दूं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो ये वाली पिन है या IC ऐसे लगी थी, ये इसकी ड्रेन वाली पिन है। तो जो ड्रेन वाली पिन होती है वो डायरेक्ट SMPS से जुड़ी होती है, इसके बीच में कोई भी सर्किट नहीं लगा होता, कोई भी पार्ट्स नहीं लगा होता, तो वो पिन ड्रेन की ही मानी जाती है दोस्तों। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोगों को इस पिन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये ड्रेन वाली पिन मानी जाएगी। तो वहाँ हम रेड वाली वायर लगाएंगे और जो ब्लैक वाली वायर है वो हमारी ग्राउंड है। तो अभी हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि ग्राउंड वाली पिन एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि IC के पास ग्राउंड की पिन कौन सी आ रही है। सबसे पहले हम कंटिन्यू मोड पर लगाएंगे और ये इसका ग्राउंड का पिन है। तो आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो कि ये इसकी ग्राउंड है और ये इसकी ड्रेन है। तो अभी हम सबसे पहले इसकी ग्राउंड की पिन पे ग्राउंड लगा दिया और जो इसकी ड्रेन वाली पिन है उस पर रेड वाली तार लगा दी। अभी फ़िलहाल हमने दोस्तों ये टेम्परेरी लगाई है आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ लगा दिया और अभी हम इसके अंदर पावर देंगे और पावर देके चेक करेंगे कि सर्किट ऑन होता है नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी LED ग्लो कर चुकी है और अभी हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि अभी क्या होता है कि दोस्तों जो ये नया नया आता है सर्किट तो ये कम वोल्टेज पर सेट होके आता है। हमने यहाँ इसका मल्टीमीटर रख लिया और मल्टीमीटर रखने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे इसकी वोल्टेज। तो दोस्तों यहीं 4 वोल्ट बनने जो कि कम बन रहे हैं और यहाँ भी 4 वोल्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों 78.05 है यहाँ पे, तो इसमें वोल्टेज कम से कम 7 से 8 वोल्टेज आनी चाहिए जिसकी वजह से जब ये प्रॉपर काम करेगा। तो इधर भी 5 आ रहे हैं दोस्तों, इधर भी उतनी सेम वोल्टेज है। तो अभी हम इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखें ये टच ना हो आप लोगों के हाथ से ज़मीन पर अगर पैर हो तो। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक पेचकस है, पेचकस की मदद से यहाँ पे एक दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीसेट लगा हुआ है, ये प्रीसेट की वैल्यू एकदम कम कर रखी है। हमको आउटपुट में जितनी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए 110 वोल्टेज तक हमको मिल सकती है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 300 प्लस से 110 वोल्टेज हम आउट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज आउट नहीं कर सकते। और उसके लिए हमारा SMPS भी थोड़ा दमदार होना चाहिए, ये नहीं कि इतना हल्का है, अगर हल्का है तो दोस्तों ये नहीं चल पाएगा, ये उड़ जाएगा जो कि इसका ये MOSFET लगा हुआ है ये उड़ जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर वोल्टेज जो कम आ रही है अभी आप लोग देख पा रहे हो कि 4 से 5 ही वोल्ट आ जा रही है। तो अभी हम सबसे पहले इसके प्रीसेट को थोड़ा बढ़ाएंगे और हल्का सा बिल्कुल नाम के बराबर बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे कितनी वोल्टेज बढ़ती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 5 वोल्ट से थोड़ी ऊपर हो चुकी है, तो अभी हमको थोड़ी और वोल्टेज चाहिए क्योंकि 5 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे तो इसकी रिले ऑपरेट होगी नहीं, कम से कम इसके वो 12 वोल्ट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो अभी हम थोड़ी और इसको बढ़ाएंगे प्रीसेट को। इसको बढ़ाने के लिए हमको कोई नुकीली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अभी हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ 7 वोल्ट हो चुके हैं और आउटपुट में इसके 5 वोल्ट हो चुके हैं। थोड़ा और बढ़ाएंगे, हमको यहाँ जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है उतनी वोल्टेज कर लेंगे यहाँ पे। तो
दोस्तों ये देखते हैं अभी वोल्टेज 9 वोल्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ी वोल्टेज और बढ़ा देंगे अभी हम, कि जिससे कि ये तो शायद अब हो गई होगी यहाँ पे वोल्टेज सेट हमारी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 11 वोल्ट और यहाँ आउटपुट में 5 वोल्ट, तो ये अब हमारा प्रॉपर ओके हो चुका है। और यहाँ पे एक बार एलईडी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्लो कर रही है, फर्स्ट क्लास वोल्टेज हो चुकी है। और अभी हम यहाँ एक ये डायोड ये रहा और इसकी कहीं से भी ग्राउंड पकड़ के, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है। ये इसका डायबोर्ड है आउटपुट का और यहाँ 16 वोल्ट खड़ी है। तो दोस्तों ये बोर्ड ओके हो चुका है, इसके अंदर सिर्फ आईसी का ही फॉल्ट था। और ये इसको कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो भी दोस्तों हम आपको बताएंगे अभी। तो इस नीचे से इसकी तारों को हटा के ऊपर से इसकी तारों को लगाना है। तारों को निकाल के दोस्तों यहाँ पर कागज़ लगा के गम लगा के, और गम लगाने के बाद इसको रखना है, तारों को थोड़ी बड़ी कर लेना है आपने, तो इस तरीके से लगा के। और इसके नीचे ही इसकी डिब्बी के अंदर दोस्तों एक ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि क्या क्या सामान आता है। तो दोस्तों इसके अंदर तो सामान आया नहीं, पर मैं आपको लोगों को बता दूँ कि हीट सिंक रबड़ आती है और दो पेच आते हैं जो यहाँ पे लगा के उसको कस दिया जाता है। तो आपने कसना नहीं है उसको, ऐसे लगा के रख देना है और रखने के बाद यहाँ पर गम डाल देनी है ताकि ये पक्का मजबूत हो जाए। तो और दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कपलर है और इसके अंदर एक तार और आती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की तार निकल रही है, ये जो तार है कपलर के पिन नंबर 3 पे लगेगी, अगर सॉरी 4 पे लगेगी, अगर 3 नंबर पर ग्राउंड आ रहा होगा तो, अगर 3 नंबर पर ग्राउंड आ रहा होगा और 4 नंबर पे आपने ये लगानी है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने ये तार को यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों इस पे 3 नंबर पे ग्राउंड नहीं आ रहा था, तो अभी हमने जब नहीं आ रहा था तो हमने को लगानी नहीं थी। अगर आपने 3 नंबर पे ग्राउंड अगर आ रहा है और आपने 4 नंबर पे लगा दी, तो दोस्तों आपको इस पे प्री सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोल्टेज अपने आप जितनी इसको चाहिए होगी वो अपने आप सेट कर लेगा अपने आप ही, आपको इस प्री सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरीके से आपको अगर 3 नंबर पर ग्राउंड नहीं आता और 4 नंबर पर फिर आपने लगाना ही नहीं है, तो उसके बाद आपने इस प्रीसेट को छेड़ के अपने वोल्टेजों को सेट करना है और सेट करके इस बोर्ड को ओके करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी काफ़ी आपके लिए। ये मार्केट में जो मॉड्यूल मिलता है ये 70 से 80-100 रुपये तक का भी मिल जाता है, आप थोड़ी अच्छी कंपनी का ले लें और इसकी स्टील देख लें कि चमकीली वाली स्टील ना रहे। इसमें दो तरह के मॉड्यूल आते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर ये जो मोसफेट होता है वो सिल्वर कलर का होता है, वो लोकल होता है, और ये थोड़ा एक डार्क कलर में गंदा सा लग रहा है, ये आपका ओरिजिनल रहता है, ये जल्दी नहीं जाता, वो जल्दी उड़ जाता है, वो हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आप ये वाला मॉड्यूल परचेज करें अपना इसी टाइप का देख के, ये 110 रुपये तक का मिल जाता है मार्केट में, जहाँ थोड़ी मार्केट नहीं होती है तो वहाँ थोड़ा महंगा मिलता है, जहाँ मार्केट होती है कॉम्पिटिशन होता है तो वहाँ सस्ता, हमें पड़ा है 62 रुपये का, मतलब 62 रुपये का दोस्तों पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी बल्क में परचेज करा था तो इसकी वजह से हमें सस्ता पड़ा है। तो दोस्तों आप भी इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, हेल्पफुल रही होगी, और आप लोग चाहें तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।